नमस्कार सभी भाइयों को, जय श्री राम। आपने मेरा थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस रिलेटिव बात करने वाला हूँ आपसे, मतलब किस चीज़ के लिए। यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, या फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन कैसे करवाएं, या किस तरीके से यूट्यूब मोनेटाइज चैनल होगा और किस तरीके से यूट्यूब से इनकम आएगी, ये सब चीज़ें। तो मैं ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आजकल चल भी रहा है, कि मोनेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत चल रहा है। आप यूट्यूब पे देखते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, देखते तो आप लोग भी होंगे उसको, कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से सब चीज़ें हैं। ये चीज़ तो समझदार सभी होते हैं। मेरा काम है एक बार बता देना, क्योंकि मैं इस चीज़ से निकला हूँ, इस चीज़ के दौर से मैं गया हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूट्यूब, स्टार्टिंग करते हैं यूट्यूब को मोनेटाइज कराने से। आफ्टर ऑल फर्स्ट सबसे मेन पॉइंट वही होता है कि जब तक यूट्यूब पे 4000 वॉच टाइम या फिर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते, जब तक अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो इसी चीज़ के लिए बात। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका स्वागत करता हूँ वापस अपने यूट्यूब चैनल ESTV पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने आजकल काफ़ी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे चल रहे हैं कि अपना पेड करके वॉच टाइम बढ़वा लो, और अब मांगते हैं कि व्यूज़ बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी वीडियो चल रही हैं, और सर्च भी लोग काफ़ी करते हैं उस चीज़ को यूट्यूब पे जाके। मानता हूँ, हाँ ठीक है, चलो कोई तिगड़म या फिर उल्टे सीधे चीज़ों से अपन अपना मोनेटाइज तो करवा सकते हैं, पर व्यूज़ कैसे आएंगे, ये चीज़ सोची आपने? नहीं, नहीं सोची होगी, क्योंकि जब तक आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर ना हो, जिनको जो आपकी वीडियो को, कंटेंट को पसंद करते हो, जिनको अच्छा लगता हो आपकी वीडियो को देखना, तभी आपको जैसे मतलब व्यूज़ मिल पाएंगे। क्योंकि सिर्फ वॉच टाइम कंप्लीट करने से या फिर सब्सक्राइबर कंप्लीट करने से अगर, और या चैनल मोनेटाइज करने से आप अपनी यूट्यूब इनकम स्टार्ट कर पाते हैं, तो ऐसे तो सभी करवाते। फिर आजकल पैसा खर्च करना, मोनेटाइज चैनल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, ये तो इतना तो आप भी समझदार हो, आपको भी समझ में आता ही होगा। पर व्यूज़ यूट्यूब किस चीज़ के पैसे देता है हमें, ना कि सब्सक्राइबर के, ना ही वॉच टाइम के, यूट्यूब हमें व्यूज़ के पैसे देता है। जितना ज़्यादा आपके वीडियो को देखा जाएगा, जितना ज़्यादा आपके कंटेंट को पसंद किया जाएगा, उस हिसाब से ही यूट्यूब आपको पेड करता है। और आप कंटेंट बना रहे हो नॉर्मली, जो जो लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे हैं, और फिर आप यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइबर बढ़वाना चाह रहे हो, या फिर व्यूज़ बढ़वाना चाह रहे हो, या फिर वॉच टाइम बढ़वाते हो, पेड मोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं, वो करवाते हैं, तो इससे बेनिफिट कुछ नहीं है। हाँ, आप कमाएंगे, ये नहीं कहता हूँ कि नहीं कमाएंगे, थोड़ा बहुत, या फिर साल, 2 साल, 3 साल, लॉन्ग टाइम जर्नी नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे मेरा ही यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं ये वीडियो डालूंगा, मेरा एक चैनल और है जिससे मेरी यूट्यूब इनकम सोर्स अच्छा आता है, पर उससे ये चीज़ नहीं है ना। अब मेरे इसी चैनल पर जिस पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इस पर ज़्यादा ना तो सब्सक्राइबर हैं, ना ही व्यूज़, तो फिर भी ठीक ठाक आ जाते हैं, पर सब्सक्राइबर इतने नहीं है, ना ही वॉच टाइम इतना, और ये मोनेटाइज भी चैनल नहीं है अभी तक, पर फिर भी मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मोनेटाइजेशन करवाना, पेड मोनेटाइजेशन करवाना हर किसी से सही नहीं है। क्योंकि वन टाइम के लिए अगर आप देखना चाहें कि 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर करवाना चाहें, तो करवा लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिसके पास पैसा होता है वो तो करवा लेता है। अब आपके पास आपकी मेहनत की कमाई है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब करके या फिर फैमिली में से पैसे लेके आप ये सब चीज़ करते हो, तो देखो कॉमन बात बोलूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से आप भी हो, मिडिल क्लास फैमिली से ही हम हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जॉब करते हैं, पैसे कमा रहे हैं, मेहनत की कमाई होती है, और ऐसे अपन पैसा वेस्ट कर लें और जिससे अपन को कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मोनेटाइज तो आप चैनल करवा लोगे, और जब व्यूज़ नहीं आएंगे और आपके कंटेंट चलेगा नहीं, तो फिर चैनल डेड होना पॉसिबल है, चैनल डेड तो होना ही होना है।
इसी चीज़ के लिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा था कि आप लोगों को बता सकूं। अभी जैसे चल रहा है एक टेक्निकल कौशल का, जिनका वो बोलते हैं कि मैं चैनल मोनेटाइज कर दूंगा और व्यूज़ बढ़वा दूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत तो उनका लगता है वो जेन्युइन है। गलत नहीं कह सकता मैं उनको कि वो गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनने उनसे चैनल मोनेटाइज करवाया है, पर व्यूज़ भी बड़ा कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, पर लॉन्ग टाइम जर्नी नहीं है, क्योंकि उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं। जेन्युइन मीन्स होता है जो कमाए हुए, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कौशल सर गलत सब्सक्राइबर करवा रहे हैं, वॉच टाइम गलत बढ़वा रहे हैं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने कमाए हो आपकी मेहनत से, जिनको जो लोग आपको देख के, आपकी वीडियो को देख के आप सब्सक्राइबर किया हो, बेल आइकन दबाया हो, जो व्यूज आपकी मेहनत से आ रहे हैं, इससे नहीं, जो सर करवा रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चन से, वो उनसे नहीं, जो आपने मेहनत की है उससे, जो वीडियो उससे आपके जो व्यूज आएंगे सब्सक्राइब आएंगे वो जेन्युइन होते हैं, वो आपके लॉन्ग टाइम रहेंगे। अब वो ड्रॉप होए या ना हो उसकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, गारंटी नहीं बता सकता उस चीज़ के लिए। वो तो अगर आप करवाते हैं सर से तो वही आपको बता पाएंगे, मैं तो उस चीज़ में कुछ नहीं कह सकता। पर फिर भी दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि अपनी मेहनत से करिए, बाकी आपकी मर्जी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको जैसा सही लगे वैसा करिए, जैसा ना लगे उससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। कि बस ये है कि देखिए मेहनत के पैसे हैं तो सोच समझ के खर्च करिएगा। बाकी मिलते हैं अपने अलग नए वीडियो में, मैं तो डेली ब्लॉग का है। और अगर भाइयों मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ जिससे मेरे चैनल पर आए और मेरा दोस्त। थैंक यू, जय श्री राम।